जब शुरू शुरू में, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मुझसे ट्रेनर्स कहते थे कि वेट्स करें वेट्स करें, मैं कहती थी नहीं नहीं, बिकॉज मेरी कार्ट स्किनी नहीं है, ठीक है, और मैं बहुत डरती थी वेट से। और मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो वेट्स अवॉइड करती हैं, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत। एक्चुअली वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं सो वो आपकी फैट लॉस में आपको बहुत हेल्प करता है, एज वेल एज योर लीन मसल बिल्डिंग। ओके, सही है। सो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड होगी और आपका फैट लॉस भी उतनी ही तेजी से होगा। तो क्या बल्क अप होती है औरतें? नहीं, मतलब वो बल्क मोटी होती तब तक नहीं होंगी जब तक आप हैवी पावर लिफ्टिंग में नहीं चले जाएंगे, और उसके लिए आपको खाना भी उस हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। जब तक प्रोटीन इंटेक ज्यादा नहीं होगा मसल ग्रो करने के लिए, प्रोटीन फैट बर्न होता है जो आपका वो है। अब लड़कियों को ये लगता है कि ऐसे शेप आ जाएगा, आप वो शोल्डर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता। आप रेपिटेशन ज्यादा करें, वेट कम रखें, तो आपका लीन मसल बनेगा। बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं है कि शेप और उसकी स्ट्रेंथ, वो ऐसी मैनली बॉडी नहीं हो जाएगी। एग्जैक्टली, सो ये मिसकंसेप्शन है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू गाइस हियर इज दैट बहुत मुश्किल है मसल्स को टुंग टुंग टुंगे निकलना। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप वेट्स करेंगे, आपके मसल मास बढ़ेगा, तो आपका वेट ज्यादा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। Exactly. और ये लोग जो एजाज जो स्टाफ करती हैं हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली, तो लोग खीरे पे और ग्रीन टी पे जिंदा है, ब्लैक कॉफी पे जिंदा है, इससे मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, प्लीज आप थोड़ा सा? अगर स्टार्विंग एंड फास्टिंग दो डिफरेंट चीज, आई डू आई एफ, सो फास्टिंग इज गुड, बट स्टार्विंग में क्या होता है कि लोग जो है ना एकदम फिर आपको अर्ज होती है और आप एक पूरी चॉकलेट की बार खा जाएंगे, तो उसमें इतनी कैलोरीज होंगी वो आप खा जाएंगे। सो फास्टिंग इज बेस्ट व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो उसमें आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही खाने के लिए, सामने क्रेविंग नहीं हो रही, आप लास्ट मील अपना ले लें 7:30 बजे अगर आपको फास्टिंग करनी है, देन आप जागें, जब तक जागें फिर सो जाएं। तो सुबह जब आप सो के उठेंगे तो वो 10-12 घंटे की जो फास्टिंग है ना वो दैट इज़ बेस्ट। तो वो अगर फास्टिंग करनी है तो उस तरह से करें, या अगर आपके अंदर इतनी वो है कि आप कर सकते हैं तो ड्यूरिंग द डे, तो फिर एक प्रॉपर एक अच्छा मील लेके जिसमें अच्छी सी फैट्स भी हों, थोड़ा कार्ब्स भी हों, वो सब खा के छोटा बैलेंस्ड मील लेके फिर आप फास्टिंग करें। बट जो स्टार्विंग करते हैं लोग, क्या किया मैंने जी, कोल्ड ड्रिंक पी ली कोई और डाइट पी ली, हाँ एक ब्रेड का स्लाइस खा लिया, फिर बैठे हुए जी स्टाफ कर रहे हैं कर रहे हैं, सो उससे जो है कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर आप इवेंचुअली आपको बॉडी रिएक्ट करती है और आप ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कितनी हो जाती है। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से आप अपनी जो नॉर्मल डे एक्टिविटी है वो भी नहीं कर पाते, और फिर अच्छा जो स्टार्व कर रहे होते हैं उसमें वो प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स का ध्यान भी नहीं रखते, वो फिर कार्ब्स ही कार्ब्स। जूस पी लिया था मैंने, फिर मैंने ग्रीन टी पी ली थी, फिर मैंने क्या किया, जूस सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है, लोगों को समझ ही नहीं आती। मैं तो बहुत हेल्दी डाइट करती हूँ, मैंने तो ऑरेंज जूस पिया, फिर मैंने मेलन जूस पिया, फिर मैंने बनाना जूस। जूस इज जस्ट शुगर, नथिंग एल्स। एग्जैक्टली, अगर आप फ्रूट खाएं, फ्रूट इज वेरी गुड फॉर यू इफ यू डोंट हैव शुगर और इफ यू आर नॉट प्रोन टू डायबिटीज, लेकिन Have the whole fruit. सिंपल सी बात है, एक ग्लास आप ऑरेंज जूस पीते हैं तो उसमें 4 ऑरेंजेस यूज होते हैं और उसका फाइबर सारा निकल जाता है, आप सिर्फ चीनी पी रहे हैं पानी के साथ। तो अगर आप खाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 ऑरेंज खा लेंगे तो आपको फाइबर भी साथ जाएगा और उसका पूरा जो जूस भी मिलेगा। करेंगे कि आपने ज्यादा चीज जूस खा ली, एक ग्लास जूस पिया, उससे आपकी मेंटली भी आप कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ जूस ही पिया है, कुछ खाया तो है नहीं। शुगर तो शुगर है ना, अब आप 4 ग्लास जूस पी जाएं तो आप सोचें 12 आपने ऑरेंजेस की शुगर। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, एंड लोग इतना प्राउडली कहते हैं मैं तो जूस पीती हूँ रोज। स्मूदी इज स्टिल बेटर, अगर आप 4-5 फ्रूट मिक्स करके थोड़े थोड़े। नहीं, स्मूदी क्यों बेहतर है ये भी तो बताएं ना, स्मूदी आप स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, पूरा फ्रूट है ना, तो बस उसको आपने एक लिक्विड फॉर्म में कर लिया, थिक होता है, हाँ, वो आपने पी लिया, उसमें योगर्ट डाल दी या कोई थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, मिल्क ना भी डालें आप, वैसे ही आप 3-4 फ्रूट्स बेरीज मिक्स कर लें उसके बनाना के साथ, तो वैसे ही मीठा हो जाता है, बनाना डाल देते हैं आप मीठा हो जाता है, तो वैसे ही पी लें वो ज्यादा। अच्छा, अ सैंपल ऑफ ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अ क्विक सैंपल। ओके, तो सबसे इजी और आपको एक पूछ रही हैं, तो ब्रेकफास्ट में सबसे बेहतर अंडा और ब्रेड, ये दो चीज। ब्रेड कौन सी ब्रेड? कोई भी ब्रेड, ऑनेस्टली आप ब्राउन ब्रेड लें, व्हाइट ब्रेड लें, इट्स द सेम थिंग, फाइबर का, हाँ
फाइबर कंटेंट डिफरेंट होता है, इज जस्ट वही आपकी बात आ गई कि वो रॉ एंड प्रोसेस वाला, ठीक है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो व्हाइट ब्रेड में अपनी शुगर ऐड कर देते हैं, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट ऑब्वियसली अ गुड बेकरी दैट मेक्स गुड क्वालिटी, हाँ, जो शुगर नहीं डालते। आप कोई भी ब्राउन लिप ब्रेड चाहे व्हाइट ब्रेड लाए, कुछ भी, दोनों में से कोई भी खा सकते हैं। लंच में आपको अपना सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आप प्रोटीन इनटेक आपका हो, कोई भी मील है ना आपकी, उसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि प्रोटीन विच इज योर चिकन बीफ फिश ऑल काइंड ऑफ मीट यू कैन हैव व्हाइट मीट, ठीक है। आप रेड मीट आप हफ्ते में दो दफा ले लें, आप रोज ना लें, बट व्हाइट मीट आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपने आधी रोटी या आधा कप चावल आपके साइज के हिसाब से, इफ यू आर अ मेल ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ हायर कार्ब मील या फिर तो ये बेसिक। और सब्जियां, सब्जियां तो आपने कभी पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, ऑनेस्टली उसका कोई वो नहीं है स्टॉपिंग। सैलड्स यू कैन ईट ऑल डे इफ यू वांट, एंड रात में भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने मीट के साथ कोई सब्जी ले ली, या आपने अगर दोपहर में अगर आपने एक पूरी रोटी खाई है तो आप एक मील में ना खाएं। सो अगर आपकी बेसिक रूल ये है कि आप तीन मील्स लेते हैं दिन में, तो उसमें से दो में आप कार्ब्स लें, एक ना लें। Now, what that's do you think about the whole five meals, small meals? That is also, if that suits aapke lifestyle, agar jis tarah mein aap manage kar sakte hain paanch meals to zarur lein. Usme log cheating kar jate hain, log kehte hain five meals khane chahiye, to usme zyada kha jate hain eventually.